अस्सलाम वालेकुम माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम विद योर फैमिलीज। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाउ आई एम डिलीवर्ड टू लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर के जी वन क्लास, पेज नंबर 60, 62, 64 एंड 66। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश रीडिंग, ऑक्सफोर्ड प्राइमर ए। Now open your page number 62, which we are read today, page number 62. And the concept of on this page is my. My मतलब क्या होता है? मेरा। my, my मतलब मेरा। Read करें इसको मेरे साथ। First sentence is, my name is Kamal, I am a boy, this is my body. लिखा हुआ है माय नेम इज कमाल, मेरा नाम कमाल है, मैं एक लड़का हूँ। दिस इज माय बॉडी, ये मेरा जिस्म है। नेक्स्ट लाइन इज, दिस इज माय नोज। कमाल ही आपसे बात करते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है और अपनी बॉडी के पार्ट्स आपको बता रहा है, ठीक है? इसको देखें, दिस इज माय नोज। वो क्या कह रहा है? नोज क्या होती है पता है ना सबको? वेरी गुड, दिस इज माय नोज, ये मेरी नोज है। नेक्स्ट वो बता रहा है, दिस इज माय माउथ, ये मेरा मुंह है। दिस इज माय हैंड, ये मेरा हाथ है। दिस इज माय फुट, ये मेरा पांव है। रीड इट अगेन विद मी। माय नेम इज कमाल, आई एम अ बॉय, दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय नोज, दिस इज माय माउथ, दिस इज माय हैंड एंड दिस इज माय फुट। अब नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वो रीड आउट करें। हैट, फैट, मैट, रेट, पैट। अब ये देखें, सब ए टी वाले वर्ड्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं ना, आप रिटर्न अपनी वर्कबुक में भी करते हैं, ए टी, आई जी, ओ जी वाले वर्ड्स, ये वही वर्ड्स हैं। हैट, फैट, मैट, रेट, पॉट, पैट। नेक्स्ट है आपका हेट, फेट, मेट, रेट, पेट। उसके बाद आपके वर्ड आ जाते हैं आई टी वाले, सिट, बिट, किट, लिट, स्प्लिट। नेक्स्ट है आपकी लाइन साइट, बाइट, काइट, लाइट, स्पाइट, ठीक है? इनको आपने जस्ट रीड आउट करना है और इस लेसन को आपने याद करना है, माय नेम इज कमाल से लेके दिस इज माय फुट तक। नाउ टर्न अराउंड योर पेजेस एंड लुक एट योर पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 इज मच अट्रैक्टिव। यहाँ तो सबसे पहले क्या बना हुआ है? माउस। क्या बना हुआ है? माउस। अब इसको हम रीड करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट किस चीज का है आपके लिए? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्या होता है? व्हाट इज दिस हम कहते हैं ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। व्हाट इज दिस का मतलब होता है ये क्या है, ठीक है? व्हाट इज दिस का क्या मीनिंग होता है? ये क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी ना बेटा, व्हाट इज दिस, मतलब बुक पे इशारा करके या किसी भी चीज के लिए मैं पूछूं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो इसका क्या मतलब होता है? ये क्या है। अब देखें, इसमें क्वेश्चन आपसे किया गया है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आगे आंसर है, इट इज अ रैट, रैट की पिक्चर बनी हुई है, इट इज अ रैट, ये एक चूहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आगे क्या बना हुआ है? कप की पिक्चर बनी हुई है, इट इज अ कप, ये एक कप है। नेक्स्ट लाइन इज, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट इज अ क्लॉक, ये एक घड़ी है। What is this? ये क्या है? It is a hat. ये एक hat है। नीचे उसी तरह previous page की तरह आपके words दिए हुए हैं, robe, wrote, not, job, hope। आगे है robe, wrote, not, lobe, hope। Next है cut, cub, jut, tub, mutt, cute, cube, jute, tube, mute। Okay? इस पेज को भी आपने प्रीवियस पेज की तरह व्हाट इज दिस से लेके फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक इट इज अ हैट तक आपने याद करना है अच्छे तरीके से। नाउ लुक एट योर पेज नंबर 60। योर सेंटेंस इज, दिस इज अ पॉट एंड दैट इज अ टैप। दिस एंड दैट, दिस किस लिए यूज होता है? जस्ट लाइक मैं आपको कह रही हूं व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है? जो पास की चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? दिस। और अगर आप मेरे से पूछें टीचर वो क्या है, तो वो के लिए हम यूज करते हैं दैट। किसके लिए करते हैं? जो चीज दूर होती है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, जो चीज हमारे करीब होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। दिस का मतलब ये होता है और दैट का मतलब वो होता है। जैसे ये देखें, लुक एट योर पेज नंबर 60।
इन दिस पिक्चर यू सी द वुमन विद अ पॉट, और वो इशारा कर रही है आपको दूसरी तरफ. दूसरी तरफ क्या है? टैप है. उसने सर पर पॉट रखा हुआ है, तो वो कह रही है दिस इज अ पॉट, ये एक पॉट है, एंड दैट इज अ टैप, और वो एक नलका है. ठीक है, मतलब करीब जो चीज है उसके लिए उसने दिस यूज किया, और जो दूर है उसके लिए उसने दैट यूज किया. नाउ लुक एट योर, रीड आउट योर नेक्स्ट लाइन. दिस इज अ यॉर्क एंड दैट इज अ जू, ये एक यॉर्क है और वो एक जू है. दिस इज अ नेल एंड दैट इज अ डोर, ये एक नेल है मतलब कील है और वो एक दरवाजा है. नाउ रीड इट अगेन विद मी. दिस इज अ पॉट एंड दैट इज अ टैप. दिस इज अ यॉर्क एंड दैट इज अ जू. दिस इज अ नेल एंड दैट इज अ डोर. नाउ रीड दिस वर्ड्स. सिंग, किंग, ब्रिंग, फ्लिंग, विंग, ग्लैड, ग्लास, ग्लिटर, ग्लूम, ग्लू. नाउ क्लास KG1, लुक एट योर पेज नंबर 66. इस पे हम पढ़ेंगे क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, यस इट इज और नो इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज यस एंड व्हाट इज नो. आप सबको पता है यस हम जी के लिए करते हैं और नो हम नहीं के लिए करते हैं. ऐसे ही है, सबको पता है ना. यस किस लिए यूज होता है? जी के लिए. और नो यूज होता है नहीं के लिए. नाउ रीड दीज सेंटेंसेज विद मी. इज दिस अ लीफ, ये एक पिक्चर बनी हुई है. किस चीज की पिक्चर है? आप सबको पता लग रहा है ना कि ये एक लीफ है, पत्ता है. उन्होंने पूछा हुआ है इज दिस अ लीफ, क्या ये एक पत्ता है? नीचे लिखा हुआ है येट, यस इट इज, जी हाँ ये है. नेक्स्ट है आपका इज दिस अ कार, ये तो बस की पिक्चर बनी हुई है, बस की पिक्चर है ना. और वो पूछ रहे हैं इज दिस अ कार, क्या ये एक कार है? तो नीचे आप आंसर करेंगे नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये तो कार है ही नहीं, ये तो बस है ना. और फिर हम बताएंगे नीचे इट इज अ बस, कि ये एक बस है. ठीक है, दोबारा से रीड आउट करें. इज दिस अ कार, ये एक कार है. नो इट इज नॉट, इट इज अ बस. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इज दिस अ फिश, क्या ये एक फिश है? ये तो फिश है. तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? यस इट इज, जी हाँ ये है. नेक्स्ट आपका है इज दिस अ कोट, ओ ये तो बोट है. और वो पूछ रहे हैं ये कोट है? नो ये कोट नहीं है. तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? नो इट इज नॉट, इट इज अ बोट. अब आप बता रहे हैं इट इज अ बोट, ये तो बोट है. फिर से रीड आउट करें इज दिस अ कोट, क्या ये एक कोट है? नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है. इट इज अ बोट, ये एक बोट है. नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये क्या है? रूलर, स्केल भी आप बोलते हैं इसको. ठीक है, इज दिस अ रूलर, क्या ये एक रूलर है? यस इट इज, जी ये है, क्योंकि ये तो है. ठीक है, अगेन रीड आउट करें इज दिस अ लीफ, यस इट इज. इज दिस अ फिश, यस इट इज. इज दिस अ कार, नो इट इज नॉट, इट इज अ बस. इज दिस अ कोट, नो इट इज नॉट, इट इज अ बोट. इज दिस अ रूलर, यस इट इज. नाउ रीड दिस वर्ड्स. ऑयल, कॉयल, बॉयल, टॉयल, सॉयल, बॉक्स, टैक्सी, फॉक्स, एक्स, टैक्स. ओके, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट टुडे. पेज नंबर 62-66 आपने रीड आउट करना है, अच्छी तरीके से इसको याद करना है. ये पेपर्स में भी इंक्लूड हो सकते हैं पेजेस, दैट्स व्हाई आपने अच्छे से तैयारी करनी है. थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा.